नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी कर्मचारी की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसको शासन की ओर से अलग अलग लाभ मिलते हैं, तो वे लाभ क्या क्या है इसके बारे में आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख पा रहे हैं कि कर्मचारी की जब मृत्यु होती है तो पहले उसको अनुग्रह राशि, एक्सग्रेसिया अमाउंट, परिवार पेंशन, फैमिली पेंशन, समूह बीमा योजना, GIS, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, अर्जित अवकाश नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान या सेवा उपादान जिसे ग्रेचुटी के नाम से भी जानते हैं, और सामान्य भविष्य निधि GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड का लाभ मिलता है। तो इन सभी के बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। अनुग्रह राशि या एक्सग्रेसिया अमाउंट, शिक्षा विभाग के लिए यह 50,000 है, अन्य विभाग के लिए राशि अलग हो सकती है। मृत कर्मचारी के परिवार को संबंधित DDO द्वारा 15 दिवस के भीतर 50,000 रुपये की सहयोग राशि दिया जाता है। यह जो लाभ होता है वह कर्मचारी के मृत्यु की स्थिति में होता है, क्योंकि कर्मचारी के मृत्यु के बाद जो कार्यक्रम होते हैं उसके सहयोग के लिए यह राशि दिया जाता है। अगला है परिवार पेंशन, फैमिली पेंशन। किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर नॉमिनी को परिवार पेंशन का प्रावधान है। अगर सेवा काल 7 साल से अधिक है तो 50% पेंशन, और सेवा काल अगर 7 साल से कम है तो 30% पेंशन का प्रावधान रहता है। न्यूनतम पेंशन की दर जो है 7,750 रुपए से कम किसी भी स्थिति में वर्तमान में नहीं हो सकती, और समय के अनुसार इस राशि पे आगामी समय में बढ़ोतरी भी संभव है। अगला है समूह बीमा योजना, GIS, जनरल इंश्योरेंस स्कीम। कर्मचारी के वेतन से कटने वाले राशि के अनुरूप समूह बीमा योजना का लाभ मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कर्मचारी के अलग अलग जो क्लास है उसके अनुरूप GIS कटौती राशि और प्राप्त GIS की राशि। क्लास 1 के लिए आप देख पा रहे हैं GIS कटौती राशि 480, क्लास 2 के लिए 360 रुपया, और क्लास 3 के लिए 300, और क्लास 4 के लिए 180 GIS कटौती राशि। क्लास 1 को GIS का राशि जो प्राप्त होगा 4,80,000, क्लास 2 को 3,60,000, क्लास 3 को 3,00,000, और क्लास 4 को 1,80,000। इस तरीके से इस राशि में से 30% बीमा की राशि और बाकी 70% आपको रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं अर्जित अवकाश नकदीकरण, या कहना चाहिए लीव इन कैशमेंट। यह क्या होता है? अवकाश खाते में जितने दिनों का अर्जित अवकाश जमा होता है उसके बदले में उतने दिनों के वेतन का भुगतान करने का नियम है। कोई कर्मचारी की जब मृत्यु होती है या कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है उस समय उसका जो बेसिक पे रहता है और जो DA होता है, महंगाई भत्ता, तो उस समय की जो बेसिक पे मूल वेतन और महंगाई भत्ता के दर के अनुसार ही उसके अर्जित अवकाश का नकदीकरण की गणना होती है। साथ ही साथ एक माह की सेवा के लिए 2.5 दिन के अवकाश अर्जित करने का नियम है। एक अन्य महत्वपूर्ण नियम है कि अधिकतम 240 दिन का जो अर्जित अवकाश उसी का नकदीकरण होगा, बाकी अर्जित अवकाश आपके अगर खाते में बचे हैं तो भी उसका नकदीकरण का कोई नियम या प्रावधान नहीं है। अन्य राज्य या सेंट्रल एम्प्लॉय को 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण की पात्रता है, जबकि छत्तीसगढ़ में 240 दिन है। अब हम जानते हैं सेवानिवृत्ति उपादान, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान और सेवा उपादान के बारे में। यह मुख्य तौर पर ग्रेचुटी कहते हैं, तो अलग अलग ग्रेचुटी, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, सर्विस ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी। तो इसमें सबसे पहले जो है रिटायरमेंट ग्रेचुटी, इसका फार्मूला आप देख पा रहे हैं, अंतिम सैलरी गुणित नौकरी के वर्ष गुणित 15/26। तो अंतिम सैलरी में बेसिक पे और DA, जो भी आपका रिटायरमेंट के समय बेसिक पे और DA रहेगा उसके आधार पर गणना कर सकते हैं। साथ ही साथ अंतिम 16.5 माह के वेतन के बराबर कर्मचारी को रिटायरमेंट ग्रेचुटी देने का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 20,00,000 रुपए निर्धारित है। अब हम जानते हैं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान या डेथ ग्रेचुटी के बारे में। अगर किसी कर्मचारी की सेवा काल जो है 1 साल से कम हो तो उसको जो डेथ ग्रेचुटी मिलेगी वह राशि है उसके जो अंतिम सैलरी रहेगा उसका 2 गुना, 1 से 5 साल के लिए
सैलरी का 6 गुना, 5 साल से 11 साल के लिए सैलरी का 12 गुना डेथ ग्रेचुटी जो है मिलेगा, और 11 साल से 20 साल के लिए सैलरी का 20 गुना डेथ ग्रेचुटी मिलने का नियम है। अगला है सेवा उपादान, सर्विस ग्रेचुटी। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु 10 वर्ष से पहले हो तो उसे पेंशन की पात्रता नहीं है, हम सभी जानते हैं, तो उसके लिए 6 माह की सेवा अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धि की दर से गणना की जाती है। तो परिलब्धि क्या होता है? बेसिक पे प्लस डीए। सेवा उपादान की गणना इस फार्मूले से कर सकते हैं, बेसिक पे प्लस डीए गुणित 1/2 गुणित कुल सेवाकाल 6 माह में। जितना भी सेवाकाल किया है उसको 6 माह में कन्वर्ट कर लेना है और उस आधार पर उसको सर्विस ग्रेचुटी की गणना की जाती है। अब हम जानते हैं कर्मचारी को मिलने वाले लाभ सामान्य भविष्य निधि GPF जनरल प्रोविडेंट फंड के बारे में। कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह 12% की कटौती, GPF राशि जो कटौती होती है प्रतिमाह होती है, और जो कर्मचारी जो है वह शिक्षा, शादी, जमीन खरीदने, मकान बनवाने के लिए GPF का 75% या 12 माह के वेतन के बराबर जो भी कम हो वह निकाल सकता है। यह नियम है सेवानिवृत्ति के 2 साल पहले 90% राशि को निकालने का प्रावधान है, नियम है। साथ ही साथ कर्मचारी के मृत्यु की स्थिति में जो भी नामित व्यक्ति रहेगा उसे सामान्य भविष्य निधि या कहना चाहिए जनरल प्रोविडेंट फंड की जो राशि है वह प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ GPF में जो अलग अलग ब्याज की दरें समय समय पर निर्धारित होती है वह भी जोड़ा जाएगा और नॉमिनी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। अगला है नवीन पेंशन योजना NPS में लाभ। तो नवीन पेंशन योजना NPS में क्या क्या लाभ होगा मृत्यु की स्थिति में, सेवानिवृत्ति की स्थिति में, उसे जानते हैं। तो मृत्यु की स्थिति में बात करें तो NPS में यदि कुल जमा राशि किसी कर्मचारी की 5 लाख से कम हो तो पूरी राशि उसे मिल जाएगी, और यदि 5 लाख से अधिक हो तो 20% राशि जो है एकमुश्त और 80% राशि जो है पेंशन के रूप में देने का नियम है। अब हम जानते हैं सेवानिवृत्ति की स्थिति में क्या कंडीशन रहेगा। तो कुल जमा राशि का जो है 60% एकमुश्त और जो 40% है पेंशन के रूप में मिलेगा। उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि यदि किसी कर्मचारी की कुल जमा राशि मान लीजिए 20 लाख रुपए है तो 20 लाख का 60% अर्थात 12 लाख रुपया एकमुश्त कर्मचारी को मिल जाएगा, और 40% अर्थात 8 लाख रुपये का कर्मचारी को एन्यूटी खरीदना पड़ेगा और उस एन्यूटी में पेंशन का निर्धारण होगा और संबंधित कर्मचारी को उसमें पेंशन मिलेगा। नई पेंशन योजना में जो मुख्य लाभ और है सेवानिवृत्ति उपादान ग्रेचुटी का लाभ भी मिलता है, साथ ही साथ CTG अर्थात कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो अंतिम बेसिक पे रहेगा कर्मचारी का उसका 80% जो है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट के रूप में मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से कर्मचारी के मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में जो जो लाभ मिलते हैं उसके बारे में जाना, साथ ही साथ OPS और NPS में कौन कौन से लाभ मिलते हैं उसके बारे में जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेरी है या अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।